नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। बीते दिनों तीन राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने एकदम नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर सबको सरप्राइज दिया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय को कमान सौंपी गई। बेशक ये तीनों नाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग में बीजेपी के काम करने का तरीका है। सवाल है क्यों और पार्टी को ये ताकत कहां से मिलती है कि वो दिग्गजों को दरकिनार कर एकदम नए चेहरों को सत्ता शीर्ष पर बिठा देती है। तो आइए आज की टेली सीरीज संघ शक्ति द वाइब्रेंट पावर हाउस में इस तिलिस्म से पर्दा उठाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कि बीजेपी के हर बड़े फैसलों के पीछे बुनियादी तौर पर संघ की सोच होती है। आइए देखते हैं आज की टेली सीरीज का पहला एपिसोड, चमत्कार, मार्वल्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। 10 दिसंबर 2023 बीजेपी कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 दिन पहले आ चुके थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, इसका अनुमान लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे राजनीतिक पंडित इस सवाल में उलझे थे कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इस सवाल का जवाब मिला तो सीएम पद पर जो नाम सामने आया वो चुनाव नतीजों से भी अधिक चौंकाने वाला था। कुनकुरी के विधायक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यानी लीक से हटकर सोचने और सबको चौंका देने में माहिर पीएम नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था। मैं विष्णु देव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने की असली कहानी क्या थी ये आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले भोपाल चलते हैं। दिसंबर 2023 बीजेपी कार्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश। एमपी में भी उधेड़पुन यही चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या शिवराज सिंह चौहान के सिर फिर से ताज सजेगा या फिर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल सीएम होंगे जिन्हें केंद्रीय मंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने चुनाव मैदान में उतारा था। दावेदारों में एमपी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय भी थे और चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भी चल रही थी, लेकिन जो नाम तय हुआ वो दूर दूर तक चर्चा में भी नहीं था। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और एमपी में ओबीसी मोहन यादव, फिर राजस्थान में कौन, ये सवाल अब दिलचस्प हो चुका था। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
12 दिसंबर 2023 बीजेपी कार्यालय जयपुर राजस्थान। एमपी की तरह यहां भी चर्चा में बहुत से नाम थे। एमपी और छत्तीसगढ़ के अनुभव के आधार पर राजनीतिक पंडितों ने मान लिया कि राजस्थान में अनुसूचित जाति, कोई राजपूत या फिर कोई महिला ही सीएम हो सकती है। लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ऐसे नेता को सौंप दी जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुनने की बीजेपी की चौंकाने वाली रणनीति को साल 2024 की सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर ही देखा जा रहा है। देश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को आगे करके बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के साथ उसके तीन पड़ोसी राज्यों एमपी, झारखंड और ओडिशा की आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों पर जादुई जाल फेंका है। तो एमपी में मोहन यादव का चेहरा आगे करके यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी का समीकरण खतरे में डाल दिया है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राजस्थान के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को भी साथ लिया है। लेकिन सतह की राजनीति में जो सोशल इंजीनियरिंग का सूत्र महसूस हो रहा है, उसका सिरा सीधे सीधे संघ की शक्ति से जुड़ा है। संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में नए चेहरों को आगे करने की असली कहानी यही है कि ये तीनों नाम संघ के भरोसे के हैं, जांचे परखे और आजमाए हुए स्वयंसेवक। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को इसी कारण से श्रद्धा से देखता है और मुझ जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है, बहुत धन्यवाद। आप इसके अलावा आप महाकाल की नगरी से आते हैं, मानते हैं महाकाल का आशीर्वाद है? निश्चित बाबा, महाकाल का आशीर्वाद है, यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, सभी लोगों का आशीर्वाद है और हम विचार के लिए जाने जाते हैं। संघ की असली शक्ति ये स्वयं सेवक ही है, जिन्हें शाखाओं में एक ही बात समझाई जाती है कि खुद को हमेशा साधारण स्वयं सेवक ही समझे, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि आचार विचार में भी साधारण, चाहे सत्ता के शिखर पर ही क्यों ना पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय संघ की इसी कसौटी पर परखे गए नेता हैं। 4 बार सांसद, 3 बार विधायक और 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में मंत्री रहने के बावजूद वो साधारण स्वयं सेवक ही रहे, जनता के बीच सुलभ। उन्होंने मंत्री पद छोड़कर राज्य में संगठन का दायित्व भी सहज भाव से संभाला था। पीएम मोदी उन पर कितना भरोसा करते हैं, इसका संकेत एक चुनावी रैली में बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया था, जिसे तब कोई समझ नहीं पाया। नौ नवंबर 2023 कुनकुरी, जशपुर, छत्तीसगढ़। भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे।
साधारण स्वयं सेवक बने रहने का यही मंत्र मध्य प्रदेश में मोहन यादव की भी शक्ति बना। मोहन यादव ने भी अनुशासन का ककहरा संघ की शाखाओं में ही सीखा। वहीं से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए और फिर संघ के प्रचारक बन गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रास्ते ही राजस्थान में भजन लाल शर्मा भी राजनीति में आए। संघ की दीक्षा लेकर राजनीति में आने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने समझाया था। अप्रैल 2014, मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस के संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। अनुशासन, समाज और देश के लिए समर्पण और भारत के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना, यही आरएसएस का मंत्र है।